नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दी इन्वायरमेंटल स्टडीज इस एन्वायरमेंटल स्टडीज़ की हमें पढ़ने की जरूरत क्या है ये आज हम देखेंगे इट इज़ एन इंडस्ट्रियल एरा इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव्स अस लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन वन हैंड ऑन द अदर हैंड इट डिग्रेड्स आवर इन्वायरमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव एन इंडस्ट्री विद नील पॉल्यूशन आजकल का एक जो है इंडस्ट्रियल युग है और इस युग में हमें इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट भी मिलते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंडस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है और ये इम्पॉसिबल है कि ऐसी इंडस्ट्री का होना जिसमें पोल्यूशन ना हो एक इंडस्ट्री वाटर एयर नॉइज़ और साइल पोल्यूशन को बढ़ाती है और इन्वायरमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुन्स बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एक्टिविटीज़ एन्वायरमेंट जो है हमारे हर व्यक्ति की के कार्यकलापों के कारण ख़राब होता है अवर एक्टिविटीज़ आर इफेक्टिंग द एन्वायरमेंट एंड डिप्लीटिंग दट बायोसफेयर जो हमारे जितने भी कार्यकलाप हैं वो इस बायोस्फेयर को डिप्लीट कर रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं हम इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट के नाम पर इट इज़ नेसेसरी टू फॉर अस टू सेव द ह्यम्यूनिटी फ्राम एक्सटिंक्शन ऐसा होता रहा लगातार चलता रहा तो हम लुप्त हो जाएगी हमारी प्रजाति तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रजाति को एक्सटेंशन से की एक्सटेंशन मतलब लुप्त होने का बचाने के लिए हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखें तो इसीलिए लिए एजुकेशन ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन ऑल सफियर्स ऑफ लाइफ सस्टेनेबल का मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जो हमें फ़ायदा भी दे और साथ ही साथ हमारे इन्वामेंट को नुकसान भी ना पहुँचाएं पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द कंटम्पररी इशूज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड देयर कॉजेज एंड सोल्यूशन इन्वामेंटल स्टडीज़ पढ़ने का फ़ायदा ये भी है कि सारे लोग इस इशू इस को समझें कि क्या क्या इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं और उसके क्या कारण हैं और इसके क्या सोल्यूशन हैं साइक्लोन फ्लड्स लैंड स्लाइड अर्थक्वेक आर आकर्ष नेचुरली ऑन द रिजल्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अधिकतर जो साइक्लोन फ्लड्स लैंडस्लाइड अर्थक्वेक्स होते हैं जनरली नेचुरली होते हैं लेकिन यह भी हो सकता है कि ये एडवर्स इफेक्ट हो ह्यूमन एक्टिविटी के देअ इन्वायरमेंटल स्टडीज आर एजेंशियल तो इसीलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए ताकि वो इन्वायरमेंट के बारे में समझ सके और पोल्यूशन के बारे में समझ सके उसको क्या नुकसान हो रहा है ये भी समझ सके और साथ में ये भी समझ सके कि आने वाली जनरेशन को इससे क्या नुकसान होगा और इसको कैसे इसके कारण क्या है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और तो अब पढ़ते हैं द एनवायरमेंटल स्टडीज इम्पोर्टेंट इन फॉलोइंग वेज दिस सब्जेक्ट एजुकेट्स द स्टूडेंट्स टू नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू ये सब्जेक्ट एजुकेट करता है स्टूडेंट्स को जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन्वायरमेंटल इशू के बारे में इन्वामेंटल स्टडीज एजुकेट पीपल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट ये एजुकेट करता है लोगों को कि इन्वायरमेंट को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है इट मेक्स द पर्सन सेंसिटिव टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इश्यूज इट डेवलप स्किल्स फॉर फाइंडिंग आउट दोल्यूशन फॉर इनवायरमेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो ये जो है लोगों को सेंसिटिव बनाता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज के लिए और उसको प्रेरित करता है कि वो अपने अंदर वो ऐसी स्किल डेवलप करे ताकि ये प्रॉब्लम से बचा स इसका सोल्यूशन निकल सके और इससे बचा जा सके इट मोटिवेट्स द पीपल टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इट इज़ नीडेड फॉर पब्लिक अवेयरनेस इससे लॉन्डर स्टडीज़ के पढ़ने से पब्लिक अवेयरनेस होती है ताकि जो लोग इन्वा प्रोटेक्शन और उसके इंप्रूवमेंट के लिए अपना पार्टिसिपेट कर सकें इसमें योगदान से सकें ताकि इन्वायरमेंट ख़राब ना हो इट इन्फॉर्म्स अबाउट द वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट ये जो स्टडी है ये इन्फॉर्म करती है कि जो का, जितने भी कानून गवर्नमेंट बनाती है कि जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके इट्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये बताती है कि नॉलेज बता ये नॉलेज देती है कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और यह बताती है कि कितने कितने प्रकार के एनवायरमेंटल हैजर्ट्स होते हैं और इसको लोगों को निश्चित एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पेक्ट देना सिखाती है इट गिव्स नॉलेज फॉर फॉर्मेटिंग इन्वायरमेंट लॉ और ये नॉलेज देती है कि कैसे कैसे कानून बना सकें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो बहुत ही यूज़फुल है इट गिव्स नॉलेज फॉर प्लेइंग द इफेक्टिव रोल इन डिमांडिंग एंड चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट लॉ ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है लोगों को ये जागृत करती है कि वो एक रोल पे कर एक इफेक्टिव रोल प्ले करें ताकि इनको वो डिमांड और चेंज जो भी अगर चाहिए इन्वामेंटल लॉ में वो पर, बना सके इट इन्फॉर्म्स अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन एसिड रेन मैरिन पोल्यूशन बायोडावर्सिटी आर नॉट मेयरली नेशनल इशू बट आर ग्लोबल इशूज़ एंड हंस मस्ट बी टैकल्ड विद इंटरनेशनल एफर्ट एंड कॉपरेशन तो कई जो इशूज़ हैं लोकल इशूज़ भी नहीं होते दैट इज़ इंटरनेशनल इशूज़ जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ओजोन is डिप्लूशन है एसिड रेन है मैरिन पोल्यूशन है बायोडाइवर्सिटी है ये सिर्फ हमारे एक लोकल इशू नहीं है बल्कि ये नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ हैं लोगों को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपना योगदान कर सकें डेवलपमेंट रिजल्ट डेवलपमेंट रिजल्ट इंटू अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग एक्टिसट्रा इट इन्फॉर्म अस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट जो है वो रिजल्ट करती है अर्बनाइजेशन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एग्रीकल्चर और हाउसिंग में और ये इन्फॉर्म करती है कि ये जो इन्वा स्टडीज़ इन्फॉर्म करती है कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं uh, विश्व की जनसंघ जनगणना में पता चला है कि जो हर सातवां आदमी जो है इंडिया में रहता है हमारे जो है सिक्सटीन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे देश में रहती है जो ओनली हमारे पास ढाई परसेंट टू पॉइंट फोर परसेंट लैंड एरिया है देर इज़ ए हैवी प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग लैंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैव रिकोगनाइज द सॉइल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डेफिशंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रियस एंड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल सेलिडिटी एंड डैमेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इट गिव्स एन आइडिया अबाउट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स इनवायरमेंट स्टडीज से जो प्रॉब्लम्स का पता चलता है जैसा कि बताया कि हमारे देश के ऊपर इतनी पॉपुलेशन है, सोलह परसेंट पॉपुलेशन है और टू पॉइंट फाइव परसेंट एरिया है जो उनके जो खाना वाना खाना जो हमारा फूड एग्रीकल्चर है उस वजह से इसमें हमारे सॉइल में काफ़ी काफ़ी सेलिडिटी और प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं जैसे कि सॉइल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक होती हैं जैसे सॉइल लाइक प्रॉब्लम लाइक डेफिशंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रियस एंड ऑर्गेनिक बैटर सॉयल सेलिडिटी डैमेज ऑफ सॉयल स्ट्रक्चर्स तो इसको ऑप्टिमम यूज़ करने का तरीका हमें ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बताती है इट टेल्स अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ नैचुर रिसोर्स टू मैच द इकोलॉजिकल साइकिल्स इन डेवलपमेंट प्लान ये जो इन्वायमेंटल स्टडीज़ है ये बताती है कि क्या किस रेट से हम नेचुरल रिसोर्स का कंजम्पन कर रहे हैं और विदाउट और इकोलॉजिकल साइकिल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ताकि हम इसको ना डिस्टर्ब करें ये सब बातें हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज से पता चलती है इट टेल्स यू अबाउट द आल्टरनेट सोल्यूशन टू डिमांड विच हैविंग लेस इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ये इन्वायरमेंटल स्टडीज से पता चलता है कि जो हमारी डिमांड्स हैं उसको उसका अल्टरनेट मैथड ढूंढा जाए जैसे प्लास्टिक का एग्जाम्पल है तो प्लास्टिक को का अल्टरनेट मैथड ढूंढा जाए क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट पर नुकसान पहुँचाता है तो इसी प्रकार में ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें प्रेरित करती है कि हमें जो है आल्टरनेट uh, सोल्यूशन लगे ताकि हमारा एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम से कम हो सके सो so, द हमने देखा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ वेरी इजेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स ये सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स को और कॉजेस को और सोलूशंस को इशूज़ को सब इंफॉर्मेशन देती है लॉस लेजेश जितने भी पास होते हैं उसके लिए बारे में तो इन्वायरमेंटल स्टडी से हमारा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है थैंक यू